अरे भाई ये बांग्लादेश में क्रॉस करता है जहाँ मर्जी से हो यार, फिर हाँ दिखा रहा हूँ निकाल रहा हूँ ना भाई। यार तू अकेला थोड़ी आ रहा है, बहुत लोग आते हैं। ठीक है तो और आप मुझे तू तू क्यों कर बोल रहे हैं? तू क्यों बोल रहे हैं मुझे? क्या बोल रहे? तो मैं क्या, मैं आपको तू करके बोलूँ? क्या बोलूँ? आप मुझे तू करके क्यों बोल रहे हैं? मैं आपका दोस्त हूँ या क्या हूँ? व्हाई इज इट टेलिंग मी तू? तू करके क्यों बात कर रहे? मैं जा रहा हूँ तो ठीक, तो निकालना पड़ेगा ना। तो आप मुझे तू करके क्यों बोल रहे हो? आप तुम बोलो, आप बोलो, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। भाई मैनर्स नहीं है भाई, मैं रास्ते का बंदा नहीं हूँ। तो बाइक भी लेके जाओगे? मैं बाइक से आया था, मैं बांग्लादेश से आया हूँ कारनेट के जरिए। आपको फॉर्मेलिटीज पता नहीं है इसलिए आप नहीं बोल रहे। एक बांग्लादेशी ने हिंदुस्तानी आर्मी के BSF के जवान को सबक सिखाया। कैसे सबक सिखाया? बॉर्डर के ऊपर जब हिंदुस्तानी आर्मी का सोल्जर BSF का सोल्जर बांग्लादेशी को तू तू करके बात करने लगा, तो बांग्लादेशी ने उसको उसी टाइम जवाब दिया और ये बात कही कि मैं कोई आम गली का लड़का नहीं हूं कि जिसके साथ आप इस लहजे में बात करें। तो किस तरह एक बांग्लादेशी ने हिंदुस्तानी आर्मी के सोल्जर को जवाब दिया, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। आप मुझे तू तू क्यों बोल रहे है? तू क्यों बोल रहे हैं मुझे? क्या बोल रहे? तो मैं क्या, मैं आपको तू करके बोलूं? क्या बोलूं? आप मुझे तू करके क्यों बोल रहे हैं? मैं आपका दोस्त हूँ या क्या हूँ? व्हाई इज इट टेलिंग मी तू? तू करके क्यों बात कर रहे? मैं जा रहा हूँ तो ठीक, तो निकालना पड़ेगा ना। तो आप मुझे तू करके क्यों बोल रहे हो? आप तुम बोलो, आप बोलो, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। भाई मैनर्स नहीं है भाई, मैं रास्ते का बंदा नहीं हूँ। एकदम ही कच्चे ঢাকা 313 কিলোমিটার বন্দা, এত বেশি তো না। আই থিঙ্ক আই ক্যান সি দ্য জিরো পয়েন্ট, ওই যে দেখা যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট। আমি বাংলাদেশেই হু। ये सब लेके इमिग्रेशन जाओ, उधर स्कैनिंग। हाँ पहले मैं मुझे जहाँ तक जस्ट लास्ट टाइम जैसे मैंने क्रॉस किया था, पहले इमिग्रेशन, फिर जब कस्टम्स पे जाऊंगा तब सामान उतारूंगा। तो ये बाइक हो जाएगा अंदर, सामान तो लेना पड़ेगा आपको। अब समझ नहीं रहे भाई मेरे। अच्छा जो तेरे को लग रहा है फिर वापस। ठीक है भाई, सही है सही है, शुक्रिया। आपकी बात सही है, पहले सब है मेरे पास, दिखा दो। अरे भाई ये बांग्लादेश से मैं क्रॉस करता है जहाँ मर्जी से हो यार, फिर हाँ दिखा रहा हूँ निकाल रहा हूँ ना भाई, टाइम दीजिए ना। टाइम दे रहे तो टाइम देने के लिए बहुत जल्दबाजी में हो भाई। मैं यार तू अकेला थोड़ी आ रहा है, इधर बहुत लोग आते हैं। ठीक है तो मैं कह रहा हूँ तो भाई, तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे मैं, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे मैं आप को बता रहा हूँ, तू वापस आएगा फिर तू बोलेगा कि आपने बताया नहीं। हाँ और आप मुझे तू तू क्यों बोल रहे? तू क्यों बोल रहे मुझे? क्या बोल रहे? तो मैं क्या, मैं आपको तू करके बोलूँ? क्या बोलूँ? आप मुझे तू करके क्यों बोल रहे हैं? मैं आपका दोस्त हूँ या क्या हूँ? व्हाई इज इट टेलिंग मी तू? तू करके क्यों बात कर रहे? मैं जा रहा हूँ तो ठीक, तो निकालना पड़ेगा ना। तो आप मुझे तू करके क्यों बोल रहे हो? आप तुम बोलो, आप बोलो, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। भाई मैनर्स नहीं है भाई, मैं रास्ते का बंदा नहीं हूँ। बाइक लेके जाओगे? मैं बाइक से आया था। तो वही तो कह रहा हूँ, मैं बांग्लादेश से आया हूँ कारनेट के जरिए। आपको फॉर्मेलिटीज पता नहीं है इसलिए आप नहीं बोल रहे। ठीक है मैं दोनों लेके जा रहा हूँ, अब ये मैं थोड़ा यहाँ रख के जा रहा हूँ। ठीक है, ये पहले इमिग्रेशन करके फिर कस्टम्स का काम करना पड़ेगा। ठीक है शुक्रिया। 5 minutes later तो यार बात करनी मेरे साथ अभी। एक मिनट प्लीज। ठीक है बुला लीजिए। अरे बेर हो भाबछिलाम, सब काज तो शेष हो गेछे, एखन जस्ट बाइक तो दिके रेखे तारपर होच्छे इंजिन नंबर सीसी नंबर चेक होबे आर लागेज चेक होबे। कहाँ गेले बांग्लादेश? आप कहाँ के हो?
जेएनके जम्मू में था, नाथा टॉप में गया था मैं, पहलगाम, कश्मीर, श्रीनगर सब गया। वही कर रहे हैं। हाँ हाँ कोई नहीं, बता देंगे, उधर जाके खड़ा करोगे, फिर सामान लेके स्कैन के लिए जाओगे, फिर गाड़ी चेक करोगे। हाँ फिर खत्म, इमिग्रेशन और बाकी सब खत्म हो गया, कस्टम दूसरे में, पहले कस्टम्स चला गया मैं। सामने जाओगे, इस साइड में खड़ा हो जाओगे, फिर आएगा वो सब। आप देखो अगर मैं नॉर्मली जाता अभी इतने देर तक मैं आ नहीं पाता, मेरा इमिग्रेशन भी हो गया, कस्टम्स का काम भी हो गया। इधर बांग्लादेश गाड़ी नॉर्मली बहुत कम आता है, एम्बुलेंस आता है। हां एम्बुलेंस आता है, लेकिन ये तो पर्सनल व्हीकल, इसका थोड़ा फॉर्मेलिटीज है अलग सा। ये देखो ये बाइक का पासपोर्ट होता है, ठीक है। ये देखो कस्टम्स ऑफिसर, जब मैं निकला था 22/5 और ये अभी आज ये इंपोर्ट हुआ इंडिया में और ये एक्सपोर्ट हो रहा है वापस इंडिया से। अभी इसका ये है फॉर्मेलिटी, ये एंट्री एग्जिट होता है, वहाँ पे उनका भी रजिस्ट्री में एंट्री होता है, तो यही है। चलो ये लोकटार साथ आबार मिसअंडरस्टैंडिंग छिलो क्लियर करे फेललाम। हाँ नहीं 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 वो आ रहे है, अच्छा भाई कौन सा, ठीक है। कैसे मैं भी ठीक हूँ। मैं पूरा ऑल इंडिया टूर करके अभी वापस जा रहा हूँ, 3 महीने लगा के घुमाऊँ। किधर के रहने वाला, किधर? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश। गाड़ी थाईलैंड का है? गाड़ी थाईलैंड का। गाड़ी थाईलैंड का है? थाईलैंड का है, मतलब थाईलैंड में ये ब्रांड थाईलैंड की है, जैसे यामाहा जापान का है, होंडा जापान का, ये थाईलैंड का ब्रांड है, बट बांग्लादेश में अवेलेबल है, ये इंडिया में नहीं है ये बाइक। ये इंडिया में नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड GPX जो ब्रांड है वो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ। अच्छा, ये आपका सामान तो स्कैनिंग नहीं हुआ? हुआ, अभी होगा ना, मैं अभी नहीं जाने वाला, वो जहाँ पर गाड़ी रखी हुई ना लेके आप डायरेक्ट अंदर से घुसूंगा, उल्टा वो। अच्छा, उल्टा घुसोगे? हाँ, वो वहाँ पर कस्टम्स वाले, उन्होंने कहा मेरा फॉर्मेलिटीज हो गया, आप देख सकते हो चाहे तो, ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट हो गया, कस्टम्स ऑफिसर ने भी साइन भी कर दिया, सील भी कर दिया। बाइक भी चेकिंग होगी? हाँ हाँ, वो इंजन नंबर चेसिस नंबर चेक करेंगे, वो कह रहे कि वहाँ लाने के लिए उनका भी आसानी होगा आने में, मुझे भी सामान ले जाने में आसान होगा। अब पहले को भी आए? हाँ, मैं तो बांग्लादेश से एंट्री लिया ना मैंने, फिर जाके अब एग्जिट ले रहा हूँ। 22/9/22। हाँ, ये आपका पासपोर्ट कहाँ है? ना बहुत दिखा देता है। अभी बांग्लादेश से आ रहे हो? नहीं नहीं, अभी इंडिया से वापस जा रहा हूँ बांग्लादेश। इधर इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे? सब जगह, कुछ भी नहीं छोड़ा। अभी ऑन है? ऑन है, हम लोग आ रहे होंगे। हाँ, आप मेरे, फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी आप वीडियो में आ जाओगे आप सब। जब मैं आया था तब भी मैंने वीडियो बनाया बॉर्डर क्रॉसिंग का, वो वीडियो भी है यूट्यूब चैनल में। क्या नाम से है? मजदक चौधरी, मेरे नाम से ही है, मजदक चौधरी। चलिए मैं जा सकता सामने? देखिए उसका कनेक्टिंग है कि ये सेपरेट है? नहीं सेपरेट है। सेपरेट है तो ये भी सारे ले जाना पड़ेगा सब? ले, हाँ पता है मुझे, ऑल थिंग्स आर योर। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो द फॉर्मेलिटीज, थैंक यू। ओके, अवशेष देर हो मोरा, थोड़ा पकड़ सकते हैं एक मिनट के लिए? नहीं घुमा ले तो, क्योंकि ऊंचा है ना, पीछे उठ नहीं रहा। रोड के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 200 चलाना है 100 चलाना है, जो रोड जैसी बात करती है। Five minutes later. Okay, time to go. भाई सॉरी, आपसे थोड़ा पहले तू तू मैं हो गया, आपने बहुत हेल्प किया, फिर भी मैं शुक्रिया भाई, कुछ बुरा मत मानना, ठीक है। इस तरफ से जाओ, अस्सलाम वालेकुम।
ওয়ালাইকুম সালাম, আমি বাংলাদেশি বাইক নিয়ে গেছিলাম, আবার ফিরছি। সব শেষ, দেখবেন পাসপোর্ট না এখন করব, বাইকটা ওদিকে এদিক দিয়ে ঢুকাবো, ঠিক আছে। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह भारतीय बीएसएफ का जवान बांग्लादेशी लड़के के साथ बदतमीजी करने लगा और उसके बाद बांग्लादेशी नौजवान ने किस तरह उसको जवाब दिया और उसको बताया कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, आपको इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। तो बांग्लादेशी नौजवान ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तानी फौजी को बताया कि किस तरह बात करते हैं और आप मेरे साथ तू तू करके बात क्यों कर रहे हैं। वापसी पर बांग्लादेशी नौजवान ने सॉरी भी किया, एक्सक्यूज भी किया और ये बताया कि मैं बांग्लादेशी हूं। यही फर्क है कि हम लोग किसी की बुराई के बाद भी उसको माफ कर देते हैं। तो ये बांग्लादेशी नौजवान ने भारतीय बीएसएफ को बताया कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, आपका लहजा अच्छा नहीं है, आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, आपके लहजे में वो नफरत नजर आ रही है जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और यहां पर एक सबक दिया गया कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, अपना लहजा ठीक करें। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।